हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं किसी भी 3D प्रिंटेड पार्ट्स के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3D प्रिंटर, मान लो आप लोगों के पास में, आप लोगों ने के पास कोई कस्टमर आता है कि मेरे लिए 3D प्रिंट बना दो, तो आप कैसे उसको उसकी प्राइसिंग बताएंगे कि उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, कॉस्ट एस्टिमेशन में सबसे बड़ा जो कॉस्टिंग आती है वो आती है मटेरियल की। जो आप रॉ मटेरियल या फिलामेंट यूज कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी वो आप देख सकते हैं आपके स्लाइसिंग जब आप करेंगे ना क्यूरा के अंदर, तो वहां पर वो बता देता है कि इतना मटेरियल यूज में आपका आएगा। सपोज आपका जो स्पूल है ये 1 kg का आता है आपका रॉ मटेरियल, मान लो ये 2000 रुपये का एक स्पूल आता है 1 kg मटेरियल। अब आपने स्लाइस किया तो वहां पर क्यूरा ने आपको बताया, या जो भी आपका स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है, दूसरे सॉफ्टवेयर भी है क्यूरा के अलावा, अगर वहाँ उन्होंने बताया कि आपका यहाँ पर 100 ग्राम मटेरियल यूज में आएगा, इसका मतलब आपका 200 रुपये तो लगेंगे आपके मटेरियल के ही, वो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मटेरियल्स ही नहीं, मटेरियल के अलावा भी ऐसी बहुत सारी कॉस्टिंग होती है जो आपको इनडायरेक्टली लगती है, जो आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ती है आपकी फाइनल प्रोडक्ट में। तो मटेरियल कॉस्ट है तो आप जो मैंने आपको बताया आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूरा के अंदर जाकर ही ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जहां पर आपको पता लग जाए कि प्रिंट को बनाने में आपको कितने रुपए का मटेरियल लगेगा। तो चलिए हम क्यूरा में वो सेटिंग देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं क्यूरा में आ गया हूँ और यहाँ पर सपोज मुझे इसको स्लाइस करना है तो मैं स्लाइस करता हूँ, और जैसे मैं स्लाइस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि इसको बनने में 2 hours 8 minutes लगेंगे, 2 घंटे और 8 मिनट लगेंगे, और 22 ग्राम मटेरियल आपका इसमें यूज होगा, ठीक है। 22 ग्राम मटेरियल यूज होगा और किस किस सपोर्ट में, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मटेरियल यूज होगा इन फिल्म में, ये भी यहाँ पर आपको ये बता रहा है, ठीक है। और 7.24 मीटर लंबा ये होगा। तो अब आप चाहते हैं कि 22 ग्राम मटेरियल जो है वो कितने रुपए का कॉस्टिंग आपको आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूरा के अंदर आप यहाँ पर प्रेफरेंस में जा सकते हैं, कन्फ्यूगर क्यूरा में जा सकते हैं, यहाँ पर आप मटेरियल्स में जाएंगे, और जैसे आप मटेरियल में जाएंगे यहाँ पर फिलामेंट कॉस्ट बता रहा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए। सपोज आपका ये $100 है तो ये आप लिख दीजिए, आपको सपोज यहाँ पर फिलामेंट वेट जो है कितना वेट है आपका, तो आप 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का आपका फिलामेंट आता है, तो 1000 मतलब 1 किलो का आपका जो प्राइस है वो आपने लिख दिया 100। तो उसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और अब अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से स्लाइस करता हूँ, मैं इसको अगर फिर से कोई इनपुट देता हूँ और अब मैं इसको स्लाइस करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कॉस्टिंग में आ जाएगी कि ये 2.160। इसका मतलब अगर आपको अगर पता करना है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आपकी जो फिलामेंट की पर केजी प्राइस है वो अगर यहाँ पर लिख देंगे तो आप जितना ग्राम आपका यूज़ होगा फिलामेंट उसके आपको प्राइस आ जाएगी। तो सबसे बड़ा आपका ये काम हो गया मटेरियल कॉस्टिंग क्या होती है और कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसके। सो आप मटेरियल कॉस्टिंग करना सीख गए। अब जो दूसरी कॉस्टिंग आपकी आती है यहाँ पर होती है प्रिंटिंग टाइम। मतलब क्या है कि अगर आपको जो 3D प्रिंटर चल रहा है तो उसको ऐसे चल नहीं रहा है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रही है, करंट लग जो करंट यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है वो आपको निकालना पड़ेगी। क्योंकि तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कोई आप जब प्रिंट जब 3D प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है, बताता है जैसे कि 2 hours 9 minutes लगेंगे, तो 2 hours के अंदर कितना यूनिट आपका लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रिंटिंग टाइम के अलावा भी जो आपने स्लाइसिंग किया तो आपका कंप्यूटर चला, उसके अलावा आपने जो 3D मॉडल बनाया वहाँ पर समय लगा, तो सारा समय आप एक बार कैलकुलेट करोगे कि यार सपोज मुझे 4 घंटे लग रहे हैं और 4 घंटे में मान लो आपका 3D प्रिंटर 3 यूनिट बिजली खाता है, तो बेसिकली अगर 10 रुपये यूनिट आपकी बिजली है तो 30 रुपये आपको इसके लगेंगे। तो आपका ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर 200 का मटेरियल लगा है तो आप 250 में वो बेच दें या 300 में आप बेच दें। तो प्रिंटिंग टाइम आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली कॉस्ट आएगी आपकी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति आपका 3D प्रिंटर ऑपरेट कर रहा है आपकी भी कीमत है, और अगर आपने कोई व्यक्ति हायर कर रखा है तो उसकी भी कीमत है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जो चला रहा है उसको भी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो पर डे सपोज आप उसको 8 घंटे काम करता है और आप उसको 1000 रुपीज़ देते हैं, तो आप कितना टाइम वो उसमें लग रहा है उसका डिवाइड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेबर कॉस्ट भी देखना पड़ेगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ द 3D प्रिंटर कॉस्ट। आपको जो 3D प्रिंटर है, बेसिकली कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में, जिसका कोई आया है तो उसको जाएगा, तो आपको जो 3D प्रिंटर है वो भी कुछ समय के बाद में क्या होगा, ख़राब होगा। उसकी हर चीज़ की लाइफ है, मान लो ये 2000 घंटे या 3000 घंटे की आपकी इसकी लाइफ है, तो ये दो अगर आप मान लो आपका प्रिंटर 1 lakh का है और यहाँ पर अगर आप 2 घंटे उस पर चला रहे हैं
तो उसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि यार इसकी कितनी डिप्रिसिएशन कॉस्ट आएगी, और उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कॉस्ट के बाद जो अगली कॉस्ट आती है वो आती है आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग की। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंट या प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है वो फाइनल नहीं है, अभी आपको उसके अंदर सपोज पॉलिशिंग करना है, पेंटिंग करना है, उसका हीट ट्रीटमेंट करना है, एक्स्ट्रा मशीनिंग करना है, तो उसमें आपकी कितनी कॉस्टिंग आएगी वो भी आपको ऐड करना पड़ेगी। तब जाके इन सबको आप मिलाओगे तब जाके आएगी कि आपको कितना कॉस्ट में आपका ये पड़ा, मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट बना है उसमें आपको कितना पैसा लगा है। उसके बाद अब आप कितना परसेंट प्रॉफिट चाहते हैं, 20% 30%, वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करके सामने वाले को बताना पड़ेगा। और कई बार दोस्तों हो सकता है कि आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में है ना उसमें डबल या ट्रिपल कॉस्ट आ जाती है आपकी पार्ट से भी, क्योंकि वहाँ पर आपको मान लो ज़्यादा सपोर्ट को रिमूव करना पड़ रहा है, वहाँ पर पॉलिशिंग करना पड़ रही है, हैवी कोटिंग करना पड़ रही है, इसीलिए इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कॉस्टिंग उसकी तैयार होती है। तो मेजरली 5 कॉस्ट मैंने आपको बताई जो आपको कॉस्ट एस्टिमेशन में हेल्प करेगी। पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है पेंटिंग टाइम, तीसरा है लेबर कॉस्ट, चौथा है डेफिशिएशन ऑफ द कॉस्ट, और चौथा है पोस्ट प्रोसेसिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप अब किसी भी पार्ट्स का पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको 3D प्रिंटिंग स्टार्ट टू फिनिश मतलब डिजाइन से लेकर पोस्ट प्रोसेसिंग तक पूरा 3D प्रिंटिंग कंप्लीट सीखना है मात्र 299 रुपीज में, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें और कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्विजेस, ई बुक्स, साथ साथ में पूरा वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। सो देर किस बात की, ज्वाइन टुडे एंड एंजॉय योर 3D प्रिंटिंग जर्नी।